हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के 8 बजे हैं, मैं अभी जगा हूँ। तो आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं नहा धो लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं नहा धो के फ्री हो चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगा कि जो राजस्थान में फेमस बावड़ी है, आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे शायद, कि राजस्थान में जो फेमस बावड़ी है आबनेरी चांद बावड़ी, वो हमारे दौसा जिले में पड़ती है और हमारे घर से मतलब हमारे गांव से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो आज का ब्लॉग वहीं का रहेगा। चांद बावड़ी पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, वह क्या क्या रहस्य है चांद बावड़ी के, क्या रहस्य है। तो यहां से 15-20 किलोमीटर दूर पड़ती है। अभी मेरा दोस्त आएगा तो मैं और मेरे दोस्त वहीं पर जाएंगे और आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वह चैनल को सब्सक्राइब करना। हाय दोस्तों, तो हम चल दिए हैं आबनेरी चांद बावड़ी देखने के लिए। आज का ब्लॉग वहीं का रहेगा। तो हम रास्ते में चल रहे हैं अभी, तो हमको 15 से 20 मिनट लग जाएगी पहुंचने में। तो आप देख सकते हो रास्ते का नज़ारा कितना अच्छा है। गाइज, हम पहुंच चुके हैं आबनेरी चांद बावड़ी पर। तो ये चांद बावड़ी के बाहर का नज़ारा है, तो आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। अभी मैं बाहर हूँ थोड़ी, तो अभी हम अंदर जाएंगे चांद बावड़ी में, तो आपको बताऊंगा अंदर। यहाँ पर ये गार्ड बैठे हैं, तो आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा। अभी हम टिकट लेंगे, अगर ऑफलाइन टिकट लेंगे तो 25 का पड़ेगा, ऑनलाइन टिकट लेंगे तो 20 रुपये का पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा आबनेरी चांद बावड़ी का। तो दोस्तों अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या रहस्य, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने के लिए और ये कब बनाई गई थी, तो वीडियो को एंड तक देखना आप। हाय दोस्तों, तो अब देख सकते हो आप कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है चांद बावड़ी के बारे में लिखा हुआ है, देखो ये सब कुछ। तो आप देख सकते हो ये बाहर का नज़ारा है चांद बावड़ी का। तो हम अभी टिकट लेंगे, हमने 2 टिकट लिए हैं जो कि ऑफलाइन टिकट पड़े हैं जो 25 के पड़े हैं और ऑनलाइन टिकट 20 रुपये के पड़ते हैं। तो हमने अब टिकट ले लिया, हम अब अंदर जाएंगे। नाम विजय। हाय दोस्तों, तो हम अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये चांद बावड़ी है, तो आप नज़ारा देख सकते हो पीछे का चांद बावड़ी। यह बावड़ी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण राजवंश के राजा चांद ने किया था, जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी में किया था। आबनेरी का प्राचीन नाम आबन नगरी था। यह बताया जाता है कि यह 100 फीट गहरी है और इसका प्रवेश द्वार उत्तर में है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो 3500 सीढ़ियाँ हैं, और इस सीढ़ियों की एक खासियत है, कोई भी अगर एक सीढ़ी से नीचे जाता है तो दोबारा उसी सीढ़ी से वापस नहीं आ सकता। ये तो दोस्तों यहाँ पे मूवी भी शूट हुई है, यहाँ पे काफ़ी मूवी शूट हुई है। तो आपको मैं पूरा नज़ारा बता देता हूँ कि इसका, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस बावड़ी की एक और खासियत है कि इसमें जो पानी दिख रहा है, आप देख सकते हो कि इसमें जो पानी दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पानी है जो आप देख सकते हो कि ये पानी कभी भी सूखता नहीं है, ये पानी हमेशा रहता है इसमें। और इधर आप देख सकते हो कि इधर एक बालाजी महाराज का मंदिर है। तो यहाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसके तीनों तरफ सीढ़ियाँ हैं और एक तरफ जो आप देख रहे हो कि महल है, तो यही महल था जो राजा और रानी का महल था। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है अभी,
तो पहले परमिशन थी, तो बताते हैं कि इस महल से एक सुरंग जाती है, वो दूसरे महल जाती है, तो इसमें नीचे जाने के लिए अब मना कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे विदेश से भी देखने के लिए आते हैं इस बावड़ी को। ये बावड़ी फेमस बावड़ी है। दोस्तों आप इस बावड़ी के जो बाहर के परिसर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंदर मूर्तियाँ नज़र आएंगी। ये पहले बनाई गई थी सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जो आज भी यहाँ पे स्थित है, पर ये मूर्तियाँ अब खंडित हो चुकी हैं, तो ये यहाँ पे मौजूद हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको ये मूर्तियाँ यहीं पे मिलेंगी चांद बावड़ी के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे चांद बावड़ी है। आपको मैंने चांद बावड़ी के बारे में बताया, तो आपको एक और मंदिर के बारे में बताऊंगा जो बाहर है चांद बावड़ी की, तो वो हर्षद माता का मंदिर है, उसको भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया,